हेलो, जय हिंद दोस्तों, बंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यहाँ पर एक नई आपको जानकारी लेके आया हूँ। जो रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली गई है, तो ये आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जो है रेलवे की तरफ से निकाली गई है। और जो लोग ये जानना चाहते कि ये वैकेंसी है कहाँ की है, तो मैं आपको बता दूँ, वैसे तो सारे राज्यों के लोग यहाँ पर इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये आपकी जो ट्रेनिंग लोकेशन रखी जाएगी, यूपी में जो आगरा पड़ता है वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग लोकेशन रखी जाएगी। यहाँ पर हम बात करते हैं एज और यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन है और कितने ट्रेड है। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे आते हैं दोस्तों, पहले आपको बता दूँ, ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से आपकी वैकेंसी निकाली गई है, ऊपर आप देख सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, कोई किसी भी वेबसाइट पर भी नहीं अपलोड किया गया है, लेकिन यहाँ पर मेरे एक दोस्त हैं वहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर मुझे सेंड किया व्हाट्सएप के थ्रू और कहा कि यहाँ पर एक वैकेंसी निकाली गई है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जितने भी साथियों जुड़े हैं वहां पर इन्फॉर्म कर दो। तो यहां पर दोस्तों, मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, यहां पर आपको दोस्तों बता देते हैं, जो ट्रेड निकाली गई है यहां पर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, टोटल यहां पर कुल यहां पर पद दिखाया गया है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें ट्रेड है फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिस्ट, कारपोरेटर, प्लम्बर, पेंटर, बहुत सारे यहां पर ट्रेड है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर आप एक बात का भी ध्यान रखिएगा, आप किस कास्ट के बिलोंग करते हैं या किस कैटेगरी के अनुसार आते हैं, आप उस चीज़ को भी देख लीजिएगा और उसमें कितना टोटल पोस्ट है और कितनी आपकी जो एससी के हैं उनके कितने पोस्ट है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यदि आप वेल्डर का फॉर्म भरना चाहते हैं, यदि आप एसटी के अंतर्गत आते हैं, तो आप देख लीजिएगा, इसमें आपका कोई भी पोस्ट नहीं है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें आप बात करें दोस्तों, जो टोटल पोस्ट है ये कितनी है, तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो टोटल पोस्ट है 60 रखा गया है, ठीक है। फिटर में 60 है, इलेक्ट्रीशियन में 90 है, वेल्डर में 10 है, मैकेनिस्ट में 10 है, कॉर्पोरेटर में 14 है, पेंटर में 1 है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान देते हुए भरिएगा। और ये जो आपका अप्रेंटिसशिप ड्यूरेशन रखा गया है 1 ईयर का रखा गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यदि आप अप्रेंटिसशिप में यदि भाग ले रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, जो अप्रेंटिसशिप आपका होने वाला है ये आगरा में, ये आपका 1 ईयर का होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर और भी बहुत सारे ट्रेड है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। नीचे आते हैं, टोटल इसमें जो आपका पद है ये है आपका 296 करीब है, ठीक है। यहाँ पर हम नीचे आते हैं, यहाँ पर जो ट्रेनिंग पीरियड एनएनएन के बारे में बताया गया है, ये आपका इसमें एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया, तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, अर्थात इसमें क्या आपका मांगा गया है, तो आपका जो एज लिमिट होना चाहिए ये 15 ईयर से 24 ईयर। देखिए, ये आपका जो फॉर्म है यही आपका 15 ईयर से 24 ईयर मांगेंगे, सब में 18 से 24 या 22 मांगता है, ठीक है। यदि आप ओबीसी और एसटी के अंतर्गत आते हैं, तो जो आपको छूट दिया जाता है वो आप भी छूट पाएंगे। नीचे आते हैं दोस्तों, जो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका, तो हर एक अप्रेंटिसशिप में जैसे यहाँ पर दिया जाता है 10 पास और यहाँ पर आईटीआई के साथ, और आईटीआई के साथ यदि आप एनसीबीटी या एससीबीटी किसी भी से हो, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसका फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है आप सभी को मालूम है, पहले आपको अप्रेंटिसशिप वेबसाइट पर, अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। यदि आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, तो आपको करना नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। नीचे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो हाई स्कूल के बारे में लिखा गया है आप देख सकते हैं, आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑन द ट्रेड एडिशन 50% इन द 10th क्लास, अर्थात आप 10th पास है तो आपके पास 50% होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखा गया है या तो 12 क्लास को भी यहाँ पर सजेस्ट किया गया है, तो यहाँ पर आपको 10+2 दिखाया गया और साथ में साथ आईटीआई पास एनसीपीटी से। यहाँ पर ये नहीं रखा गया है कि आपको आईटीआई में कितने परसेंट होना चाहिए तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ये नहीं होगा कि आपको कोई कह दे कि आपका 60% या 70% होगा तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। और ये जो आपका सिलेक्शन होगा मेरिट के बेस पर होगा, इसमें फिजिकल भी होगा, ठीक है। यदि आपका सिलेक्शन होता है तब उसके बारे में आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ और भी जानकारी दिया गया है, जैसे कि अदर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो उनके पास आपको सजेस्ट करना पड़ता है ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप सभी को मालूम है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह, पिन वगैरह, आईडी के सब सारे जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो एक एक करके वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ता है, या उसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर,
क्रमांक नंबर वो सब रजिस्टर करना पड़ता है। और इसका जो लास्ट डेट हम बता दें दोस्तों, यहाँ पर 10/1/2020 रखा गया है, अर्थात 10 जनवरी 2020 को ये आपका लास्ट डेट रखा गया है, ये आपका फॉर्म फिलअप होने शुरू हो गया है। क्योंकि ये जो आपका ओपनिंग डेट है दोस्तों, यहाँ पर ऊपर ही मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 2/12/2019 को, ठीक है, ये आपका ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। हालांकि आप सभी को मालूम है कि ये आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक अपलोड नहीं किया गया, 1-2 दिन के बाद अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन मेरे एक फ्रेंड के द्वारा ये पता चला कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है वहाँ पर वो अप्रेंटिसशिप करते हैं, उनके पता चला तो उन्होंने सेंड किया, तब मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम नीचे आते हैं दोस्तों, कुछ और भी जानकारी दिया होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। यहाँ पर लास्ट डेट के बारे में बताया गया है, और नीचे आते हैं यहाँ पर फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है, यहाँ पर भी आपको मेंशन किया गया है, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं आपको क्या क्या वहाँ पर ज़रूरी लगेगा। हाई स्कूल ईयर का, किस ईयर में आप पासिंग हुए हैं और किस बोर्ड से हैं, मैक्सिमम मार्क कितना है, मार्क ड्यूरेशन कितना रखा गया है, परसेंटेज कितना है, यहाँ पर वही सारे आपको फिल करना है। एक नॉर्मल फॉर्म जैसे आप भरते हैं उसी तरह आपको फिल करना है, तो आप फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, ठीक है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर फिल करना है, यहाँ पर आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही पर जानकारी देना चाहता था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है।